प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आस्क एबीसी गुरु में। आज हम फिर हाजिर हैं एक न्यू वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम संख्या पद्धति में डिजिट की बात करेंगे और नंबर्स की बात करेंगे। डिजिट मींस ये होता है अंक और नंबर मींस होता है संख्या। तो हम आज अंक और संख्या में के बारे में अध्ययन करेंगे और इन दोनों में फर्क जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले हम कोई संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमने 11 कोई एक संख्या ले ली। अब इसमें देखिएगा कि इसमें कितने डिजिट हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें एक और एक दो डिजिट हैं। इसमें कितने डिजिट हैं? दो डिजिट हैं। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि दो है, दो में ये दो क्या है? आप कहेंगे दो संख्या है। क्या है दो? ये संख्या है। अब इसमें कितने डिजिट हैं? तो आप लिख देंगे कि इसमें एक डिजिट है। इसमें क्या है? एक डिजिट है। अब हम 11 की ओर चलते हैं। 11 क्या है? ये भी एक संख्या है। इसमें कितने डिजिट हैं? इसमें एक डिजिट, तो ये हो गया एक डिजिट, ये हो गया, इसका मतलब दो डिजिट हो गए इसमें। अब देखिए डिजिट कौन कौन से होते हैं, डिजिट कौन कौन से होते हैं। अब डिजिट की बात कर रहे हैं तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कितने होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। इन 10 डिजिट से ही पूरी संख्याएं, पूरा नंबर सिस्टम बना हुआ है, है ना। अब देखिए आगे आगे कुछ और एक नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए हमने 28 नंबर लिया, तो इसमें आप कहेंगे कि 28 क्या है? एक संख्या है। इसमें कितने डिजिट हैं? तो इसमें क्या है? टू डिजिट हैं। क्या है? टू डिजिट हैं, ठीक है। यानी दो अंक हैं, दो क्या हैं? दो अंक हैं इसमें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आपके सामने एक प्रश्न आ सकता है कि दो अंकों से मिलकर कौन कौन सी संख्याएं बन सकती हैं। तो अंक ले लीजिए कोई से दो, मान लीजिए दो और एक, ये अंक हैं, दो अंक है एक अंक है, इनसे मिलकर कौन कौन सी संख्याएं बन सकती हैं। तो आप देखेंगे 21 बन जाएगा और 12 बन जाएगा, यानी इन दो अंकों से मिलकर दो संख्याएं बन सकती हैं, एक 21 और एक 12। 21 क्या है? ये भी संख्या है। 12 क्या है? ये भी संख्या है। अब एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि अब मान लीजिए एक न्यू नंबर ले लीजिए, कोई न्यू नंबर ले लीजिए 173 या 473 ले लीजिए। अब इसमें देखिएगा कितने डिजिट हैं। इसमें एक डिजिट ये हो गया, एक डिजिट ये हो गया, एक डिजिट ये हो गया, तो कितने डिजिट हुए? तीन अंक, अंक को ही डिजिट कहते हैं। और ये क्या है? ये एक संख्या है, तीन अंकों की संख्या, तीन अंकों वाली संख्या कितनी है? 473 एक संख्या हो गई। अब देखिए दशमलव की भी कोई एक संख्या हम ले लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, जिससे कि चीज़ें क्लियर हो जाएं। जैसे मान लीजिए एक नंबर ले लेते हैं 78.496, कोई एक नंबर ले लिया, इसमें कितने डिजिट हैं? तो देखिए दशमलव के बाद के जो अंक हैं इनको हम डिजिट में नहीं लेते हैं, और दशमलव से पूर्व के जो पूर्णांक हैं इनको हम क्या कह लेते हैं? इनको डिजिट में लेते हैं। तो इसमें कितने डिजिट हो गए? एक 8 और एक 7, दो डिजिट हो गए, यानी दो अंक हो गए इसमें, और इसको डिजिट भी लिख दे दिए, दो डिजिट हो गए इसमें, है ना। अब आपसे ये कभी पूछा जाता है कि 78.496 है, इसमें कितने डिजिट हैं? तो आप कंफ्यूज नहीं होना, इसमें दो डिजिट इसमें हैं। और संख्या क्या है? 78.496, इस तरीके से इसको पढ़ते हैं, 78.496, यानी दशमलव के बाद के जितने भी ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं यहाँ पर, अंक लिखे हुए हैं या डिजिट हैं ये, दरअसल एक्चुअल में डिजिट तो इसी को मानेंगे, मगर दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हैं उनको एक एक करके बोलेंगे 4, 9, 6, इस तरीके से इनमें बोला जाता है। अब बात आती है कि
जो हमने डिजिट अभी चर्चा किया था ऊपर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो 0 से लेकर 9 तक की जो डिजिट हैं इन्हीं से पूरी संख्याएं मिलकर बनी हुई हैं। कोई भी संख्या आप इन नंबर से मिलकर बना सकते हैं। ठीक है, अब संख्याओं के निर्माण की बात हो रही है तो जैसे हम पहली ये दो संख्याएं ले, तीन संख्याएं ले लें, किस 1, 2 और 3 से मिलकर बनी संख्याएं, इनकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1 को हम 3 अंक की संख्या बनेगी तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा के स्थान पर लेंगे पहले 1, फिर इनको एक बार इसको दहाई पर, एक बार इसको इकाई पर, एक बार इसको इकाई पर, एक बार इसको दहाई पर के स्थान पर लिखेंगे तो 2, 3 और 1, 3, 2, एक तो ये बन गए दो नंबर, तो ये दो संख्याएं तो हमको दो नंबर ये मिल गए। फिर देखिए 2 को सैकड़े के स्थान पर रखेंगे और इनको एक बार इसको दहाई और एक बार इसको इकाई पर, तो देखिए 1, 3, 2, 3, 1। फिर देखिए 3 को लेते हैं सैकड़ा के स्थान पर, 1, 2, 2, 1। यानी इन 3 डिजिट से मिलकर हमको कितनी संख्याएं मिल गई, 6 संख्याएं मिल गई। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई होगी। ओके ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करते जाइए, आगे भी देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इन संख्याओं से मिलकर, ये इन डिजिट से मिलकर कौन कौन सी संख्याएं बनेंगी। तो ये फर्स्ट हो गया था, ये सेकंड ले लेते हैं, तो ये है 0, 1, 2। इन डिजिट से मिलकर बनी संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, तो देखिए मगर बनाने से मिलकर यहां पर देखेंगे कि 0, 1 और 2 इनसे मिलने मिलकर 3 बनी 3 अंकों की संख्या की हम चर्चा यहां पर आपके साथ कर रहे हैं। तो आप यहां पर देखेंगे कि 3 अंकों की पूछ रहे हैं, तो जो 0 है ना वो 100 प्लेस पे हम इसको नहीं रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में एक बार तो 1 को हम 100 प्लेस में रखेंगे, इन दोनों से मिलकर बनी संख्याएं दो बना लेंगे, और एक बार 2 को रखेंगे 100 प्लेस पर। तो देखिए 1 को रखा तो एक बार 0 को 10 प्लेस पर, एक बार 1 प्लेस पर, ऐसे ही फिर 2 को 100 प्लेस पर रखेंगे तो एक बार 0 को 10 प्लेस पर, एक बार 0 को 1 प्लेस पर रखकर हम बनाएंगे, तो 4 संख्याएं इस तरह से मिलकर बनी होंगी। अगर ये बाउंडेशन नहीं होता 3 अंकों वाला तो फिर क्या होता कि ये दो नंबर और बन जाते, दो संख्याएं ये और बन जाती, तो कुल मिला के 6 संख्याएं बन जाएंगी। अब आप देखिएगा कि 3 डिजिट से मिलकर बनी कितनी संख्याएं जो होंगी वो 6 हो जाएंगी, अगर 0 उनमें नहीं होगा, अगर 0 होगा तो 4 ही बनेंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, इससे संबंधित क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 29 तक की संख्याओं में कुल कितने अंक होंगे। तो ये क्वेश्चन हमको समझना है इसमें कितने अंक होंगे, मतलब कितने डिजिट होंगे इसमें, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आप देखेंगे कि 1 से लेकर 9 तक इस, देखिए 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में ये चूंकि सिंगल डिजिट के संख्याएं हैं, बराबर 9 संख्याएं हो जाएंगी, और चूंकि 9 संख्याएं हो जाएंगी, 9 संख्याएं गुणा 1 डिजिट इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखिए 10 से लेके 29 तक, तो यहां पर देखिए 10 से लेके 29 तक 1 से लेके 9 तक 9 संख्याएं निकल गई, तो आप 9 निकाल दो यहां से, तो कितनी हुई 20 संख्याएं, तो ये हो जाएंगी 20 संख्याएं, और इसमें प्रत्येक संख्या में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, यानी 2 अंक है, तो 20 × 2 = 40। तो आप इस तरह से देखेंगे कि 1 से लेके 29 तक की संख्याओं में कुल कितने 49 डिजिट हो गए, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे भी इसी तरीके से कई बार पूछ लिया जाता है कि 1 से लेके 90 तक की संख्याओं में कितने डिजिट होते हैं, तो इनको आप आसानी से इस तरीके से आप इनको हल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन है कि 21 से लेकर 90 तक
संख्याओं में कुल कितने डिजिट होंगे। संख्याएं भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है, इसमें संख्याएं भी पूछी जा सकती हैं, तो आप, और वैसे भी अगर डिजिट पूछा गया है तो वैसे भी आपको संख्याएं निकालनी ही होगी, उसी के बाद आप इसको हल कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए बने रहिए, अब देखेंगे कि 21 से लेकर, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा कि 21 से लेकर 90 तक बराबर कितनी संख्याएं हो जाएंगी। तो आप यहां देखिएगा, इससे पहले देखिएगा 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं इसमें से गायब है, है ना, 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं क्या है यहां पे गायब है। तो 90 में से 20 घटा दो, 70 संख्याएं हो गई, और प्रत्येक संख्या में दो डिजिट हैं तो 140 डिजिट हो गए, अंक इसी को डिजिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमें आशा है कि वीडियो ज़रूर आपके समझ में आया होगा और अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, अपने मित्रों को आप रिकमेंड कर सकते हैं इस चैनल को। हाँ, अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करिएगा।